वी केयर की ओर से कलम की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कलम प्रभाकरण फाउंडेशन का एक प्रयास है हिंदी भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। कलम के मुख्य प्रस्तुतकर्ता है श्री सिमेंस, कलम के मीडिया पार्टनर है दैनिक भास्कर और कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स है होटल मैरियट। आज है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। स्वागत है चित्रा जी मुद्गल का। चित्रा जी ने अपनी पहली कहानी स्त्री पुरुष संबंधों पर जो 1955 में प्रकाशित हुई थी लिखी। उनके अभी तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास आवा के लिए उन्हें व्यास सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मेरे आपको जितना भी पता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम ऐसे वर्गीकृत कर सकते हैं कि महिला लेखक और पुरुष लेखक, क्या महिला लेखक लेखिकाओं की, हम लेखिकाएं हैं, लेखिकाओं की जो समझ है या उनकी किसी भी मुद्दे को लेकर जो संवेदनशीलता है, क्या वो पुरुषों से अलग होती है किसी मायने में? एक ही मुद्दा है, एक ही व्यवस्था है, परिवार है, पितृसत्ता है, क्या संवेदनाओं में उन मुद्दों को उठाने में क्या कोई फर्क है दोनों में? आपका अंदाज आज वाले लेखक के परिचय के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। वैसे उसको परिचय की जरूरत क्या है, लेखकों को पढ़ता ही कोई कितना है, लेकिन फिर भी जो पढ़ता है और जो पढ़ने वाले, सुनने वाले या सुनकर पढ़ने वाले पहुंचते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा परिचय ठीक से देना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी पहली कहानी 1964 में प्रकाशित हुई थी, सभी सिनारा, 25 अक्टूबर 1964, नवभारत टाइम्स के संस्करण में, जो दिल्ली नहीं, जो मुंबई संस्करण, उसकी कथा प्रतियोगिता में प्रथम आई थी। तो 55 का जिक्र हुआ वो गलत था, उसको मैंने कहा सुधार। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। आपने कहा कि स्त्री और स्त्रियों को इस बात को लेकर बहुत मलाल भी है साहित्य में कि उनकी चीज़ों को पितृसत्तात्मक जो जनाना दृष्टि उनकी है, यानी जो अनुकूलित दृष्टि उनकी है, वो उनके लेखन को अगर उस पर ध्यान नहीं देना है तो सीधे सीधे कहते हैं ये तो औरतों का लेखन है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। 1984 में सारिका द्वारा आयोजित पीढ़ियां आमने सामने में डॉक्टर नावर सिंह ने यही कहा था कि औरतें, बहुत सी औरतें नहीं लगाया था या कुछ औरतें नहीं लगाया था, औरतें इसीलिए छपती हैं क्योंकि वो औरतें हैं। और इसी एक वाक्य का विरोध उस समय उस परिचर्चा में मनु भंडारी भी थी, उन्होंने ही नहीं मृणाल पांडे ने किया था कि इस तरह का मूल्यांकन गलत है उनके लेखन को लेकर। दूसरी चीज, ये तो उनके दृष्टि की बात की, लेकिन मैं मानती हूँ पितृसत्तात्मक हमारे समाज में पुरुषों की भी मानसिकता अगर कंडीशन्ड है, अनुकूलित है अपने उसी अहंकार को लेकर के कि मैं पुरुष हूँ, तो ऐसा उनका सोचना स्वाभाविक है क्योंकि वो अपने सामने स्त्री को प्रतिस्पर्धा के रूप में और उस स्त्री को जो एक धड़ के रूप में देखी गई है, उसके साथ साथ धड़ के रूप में ही उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की कि स्त्री की जो निर्भरता रही है, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगी, उसको ही मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस तरह की धारणा बना रखी थी कि उसके धड़ के कमली धड़ के ऊपर मस्तिष्क तो है ही नहीं। वो वही करती है जो
वो निर्णय लेते हैं जो सही समझते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी गृहस्थियों को लेना चाहिए। तो साहित्य में भी वो उसी धारणा को लेकर के चलते हैं और उसका जब मूल्यांकन करते हैं तो इसी सतही नज़र से करते रहे, इसीलिए लेखिकाओं को शिकायत भी रही है। मुझे लगता है चित्रा जी की जो संवेदनशीलता और गहराई आप लाई हैं, क्या वो आपके जीवन के इर्द गिर्द घूमते हुए अनुभवों से आई या समाज में जो सारी विरूप और कठिनाइयाँ या विषमता है उससे पैदा हुई, ये प्रश्न निश्चित रूप से हमारे सामने होती है। और वो दुनिया सिर्फ एक घटना भर नहीं होती, विसंगति भर नहीं होती, विडम्बना भर नहीं होती है, ये समाज का एक वर्ग किसी षड्यंत्र का शिकार भर नहीं होता है। उसको अगर हम जोकर पर लिख देंगे तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ एक रिपोर्टिंग होगी, फीचर लेखन जैसा होगा और अखबार इस कमी को पूरा करते ही करते हैं। चीज़ों को देखते हुए और उनकी समाज सापेक्ष कारणों पर नजर डालते हुए एक कुआं सा खोदने का प्रयत्न होता है। कभी कभी चार हाथ में पानी मिल जाता है, कभी 10 हाथ में, कभी कभी 120 हाथ को दो और नीचे चला जाता है तो शोध नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि अनुभव जो है, जब लेखक देखता है और अपनी संवेदनात्मक दृष्टि से उसको परखता है, परखने की कोशिश करता है, तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसमें जिन स्थितियों से होकर वो व्यक्ति गुजर रहा है, जो पात्र है और लेखक भी बताया प्रवेश कर उन्हीं स्थितियों से गुजरने लगता है, यकीन कीजिए उसकी संवेदना का भी विस्तार होता है। उसके बारे में भी बताया, आप ये बताइए, ये आपने अपने अंदर जो ये बदलाव आप लेकर आए और आपने शब्दों के रूप में उनको ढाला था, वो शब्द जैसे आपने कहा क्लरिकल होते हैं, क्लर्क होते हैं, वो शब्द जो आप एक विज्ञान का लेखक है, इतिहास का लेखक है, वो सब लेखक है जी, लेकिन जब साहित्यकार, जब लेखक हम कहते हैं सृजनकार को, तो हमारे समझन बदल जाए। ऐसा लेखन एक ऐसे ऐसे प्रचलित यज्ञ की तरह होता है। मैं ये मानती हूँ, हमारे बहुत से मित्र ऐसा कहते हैं, युवा पीढ़ी के भी बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहते हुए सुना है और अनुकूलित होकर भी कहते हैं, लेकिन मेरा मानना शुरू से ही ये रहा है कि हम लेखन स्वांत सुखाए के लिए नहीं करते, हम इसलिए करना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि उस समाज में हम सिर्फ अपने कार्यों से जिस परिवर्तन की आकांक्षी है, हम वो कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कुछ छूट जाता है, उस स्थान तक हम सीमित हो जाते हैं, उन गली मोहल्लों तक सीमित हो जाते हैं, मुट्ठी भर लोगों तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन अगर वो सृजनात्मकता में कहीं हम जो चीज़ को लेकर आते वो हजारों लाखों पाठकों तक जाता है। अगर कोई रचना दिल में ठहर गई, उसने अगर आपका पीछा किया, चार दिन आपको सोने नहीं दिया, आपको लगा इसमें आप भी किसी अंश तक शामिल हैं और ये भी लगा कि कुछ हद तक आप भी इसके दोषी हैं और उसके लिए सिर्फ लिखना ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करना है, लिखना भी है, तो ये ऐसे दोषी और भी बहुत से लोग होंगे, तो ये जागरूकता जब लेखन पैदा करता है, निश्चित ही लेखन एक्टिविज्म की भूमिका में आ जाता है। आपने जो पर्क आया प्रदेश की बात है, मैं थोड़ी सी लालची हो गई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि दूसरा सवाल भी पहले ले लिया है, तो क्योंकि आप मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी ऑडियो बुक्स भी लिख सकते, मतलब सुना सकते हैं, अगर आपके ऑडियो बुक्स आएंगी क्या आप बहुत खूबसूरती से अपनी बात को कह पाते हैं, तो एक छोटा सा मेरे मन में सवाल आया, आपने बोला कि ये मेरी कमजोरी है, आपकी कमजोरी, कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मैं झोपड़पट्टियों में बोलती हूँ ना, वैसे ही मैं बोलती हूँ कक्षा में, सुदेश बैठी हैं या इतनी बड़ी हमारी समालोचिका है बहुत हिंदी साहित्य की,
हम 45 मिनट तक क्या पढ़ाएंगे सोच समझ के वही पढ़ाएंगे जो हमें पढ़ाना है, और बच्चों को जानकारी देने की हम कहाँ तक आलोचना में किस तरह से हमने विकास किया है, हमारे औजार आलोचना की सिर्फ कविता के लिए है या उपन्यासों के लिए हमने अनुसंधानित किए हैं नहीं किए हैं उसी नज़र से हम देखते हैं परखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दृष्टि और जगह भी काम करती है, काम करती है। तो हम उसी बात पे आते हैं पर काया प्रवेश, क्योंकि जो आपने इतने बिल्कुल ही नाला सोपा शब्द, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का मी लक्ष्मी मी हिजड़ा भी पढ़ा है, जो कहीं ना कहीं जिस दर्द से वो गुजरी है उसके बारे में उन्होंने लिखा है और एक तरह का प्रतिरोध उसमें भी है, पर आपका उस पर काया में प्रवेश करना और उनकी उन चीज़ों को पकड़ना, और खासकर मतलब मुझे लगा ये जो आपने खत लिखा है ये तो रुला देने वाला है, ये हम आपकी आवाज़ में ज़रूर सुनना चाहेंगे, और इसके पीछे क्या रहा मतलब एक स्वर्गवासी माँ का माफीनामा अपने किन्नर बेटे से घर वापसी की अपील। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किन्नरों पर लिखा गया है ऐसा नहीं है, उनके कौतुक को लेकर के और उनकी जीवन शैली को लेकर के प्रश्नांकित किया गया है, वो समाज में किस तरह से रहते हैं बड़ा अनोखा और अजूबा जैसे लोगों को लगता रहा है, और वो आशीर्वाद नवजात बच्चों को देने आए ये भी एक रिवाज है बन गई है, और अपनी दादी नानी चाची से नई पीढ़ी भी विरासत में ले लेती है और मजा जमा लेती है। मराठी में एक और उपन्यास है लेकिन अपनी आत्मकथा में जो दर्द लक्ष्मी का है मैं लक्ष्मी को जानती हूँ, बहुत खूबसूरत बेटी है बहुत संपन्न घर से, लेकिन उस संपन्नता को वो इसके लिए भी इस्तेमाल कर रही है जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, लेकिन हमारा समाज है क्यों ऐसा ये सवाल नहीं है, उसकी दुर्दशा जो अपनी जीवन शैली में भोगी है उसका जो दर्द है उसको लिखा। यहाँ पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जो है पूरे समाज को कटघरे में लेता है, वो समाज अब कल्पना कीजिए ऐसा क्यों हुआ कि मनुष्य ने मनुष्य के साथ अन्याय किया, सदियों सदियों पुरानी जब स्त्री पुरुष में समागम हुआ होगा निश्चित रूप से संतान उत्पत्ति हुई होगी, उस समय अगर कोई बच्चा अविकसित यौन इस्लामी यौन से पीड़ित कोई बच्चा रहा होगा क्या उन स्त्री पुरुष ने उसको हटा दिया होगा? नहीं, उन्होंने नहीं हटाया। मेरा विषय ये नहीं है इसलिए मैं उसको पुराणों और सदियों और समाजशास्त्रीय अध्ययन को उस तरह से नहीं देती, मेरे सामने प्रश्न उन्होंने नहीं हटाया जब इस समाज इसको उस समाज का निर्माण होना शुरू हुआ और उसके नैतिकता के नियंता कुछ लोग हुए तो धर्म आया है ना, इनको कैसे रहना चाहिए सही चीज़ों के लिए कैसे इनको प्रेरित करना चाहिए कैसे इनके मन में ये भय पैदा करना चाहिए कि ऐसा करोगे तो ये गलत है ये नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे उन माँ बापों को पता आगे बढ़ी हुई पीढ़िया दर पीढ़िया लगने लगा धर्म ने उनको समझाया लिंग और यौनि पूजक समाज ने ये समझाया धर्म के ठेकेदार ये तो इनकी ये तो विरासत चला नहीं सकते मनुष्य इससे इनको तो बहिष्कृत किया जाना चाहिए इनको तो घरों में रखना पाप है, धीरे धीरे वो आज की अवस्था में पुराणों में भी आप महाभारत से लेकर के और सब जगह शंभू की हत्या और उस तरह से बहुत सारे ऐसे पात्र मिलते हैं, लेकिन इन पात्रों को स्वीकार किया गया अपने इस्तेमाल के लिए अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरा विषय ये नहीं था इनकी कौतूहलपूर्ण जीवन शैली नहीं थी, समाज धर्म राजनीति और मनुष्य कि ये कोई जानवर नहीं थे जिन्हें घर में नहीं रखा जा सकता, ये गलती हुई कैसे
मानवाधिकार को लेकर पूरे वैश्विक पतन पर वो हल्ला बचता रहता, युद्ध बंदियों के लिए नियम है, मनुष्यों के बुनियादी हकों के लिए नियम है, उसके लिए इतना विश्वव्यापी शोर मचाया जाता है। इनके लिए कभी कोई शोर नहीं मचाया गया, क्यों नहीं मचाया गया, क्यों नहीं सोचा गया इस बारे में? कुछ समाजों ने हल्के हल्के सोचा, कुछ राजनीति के लिए सोचा, उनको आत्मसात किया मुख्य समाज के ही राय में। लेकिन हमारे यहाँ जब जियो अदर्स में डाला गया तो मुझे तो बहुत दुख हुआ। और प्रेरणा ने थोड़ा उसको तस्वीर किया था कि आपने अभी मित्रसत्ता पर जो बात चल रही थी, स्त्री लेखन पुरुष लेखन की बात चल रही थी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मुझे पता नहीं आज के कार्यक्रम में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आई और मेरे लिए थोड़ी नई सी भी है, तो मुझे मेरा मन हुआ कि मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि ये चित्रा मुद्गल जी का कार्यक्रम है तो इसमें इतने ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और पुरुष कम दिखाई दे रहे हैं, आप उसे किस तरह देखते हैं? उसे क्या सुनने जाएंगे, वो क्या नया देगी? लेखिकाएं जो दे रही है वही उससे कहीं ना कहीं सह स्वीकार्यता नहीं है ना। तो ये हालांकि इसको राजकुमार जी, मैं ये सोचती हूँ कि चित्रा जी में राजपाट वाली राजकुमारी में लाभ क्या रहा है? मुझे लगता है कि एक छवि, मैंने कहा ना कमली धड़ के ऊपर एक अदद मस्तिष्क है, वो औरत को सबसे पहले खुद को ही पहचानना है, वो आपने पहचान लिया है लाड जी, तो आप तो बहुत क्रांतिकारी, आप छद्म क्रांतिकारिता की बात नहीं है, लेखन में भी जो हो रहा है अपने अनुभवों से सीख कर, जब औरत बड़ी होती है या लड़की बड़ी होती है या बड़े नगर में बड़े बड़े उससे इतर समाज में जाती है, विपरीत समाज, विपरीत यानी जीवन शैली में जो अंतर है इंग्लैंड अमेरिका में जाती, कैसे वो वहाँ उन पुरुषों के बीच में कैसे अपने को रखती है, कैसे बचाती है या किस तरह का जीवन जीती, उसके सारे परिणामों की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है, माता पिता नहीं पहुँचेंगे तो परिवर्तन आ रहा है और हो रहा है। राजकुमारियों का क्या, राजपाट में राज अधिपत्य मिल जाता था, रजिया सुल्तान लड़कर रजिया सुल्तान नहीं बनी, मेरे लिए वो बहुत बड़ी नहीं, जो सत्तात्मक सत्ता में औरत को जगह मिली है बड़ी चीज थी, है ना। लेकिन बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनको जब, जैसे लक्ष्मीबाई मुझे अपने निर्णय की बात हुई, उस दबाव को निर्मूलन करके उसके खिलाफ वो लड़ी, तो मुझे लगता है कि वो अवंती बाई जिस तरह से लड़ी, तो ये औरतें जो मिला कुछ नहीं है वो अपने लिए तो हासिल करना ही चाहती हैं, क्योंकि अपने आप को उस समाज में जो कुछ उनके साथ हुआ उससे लड़ना चाहती, लेकिन वो ये भी चाहती हैं कि ये मेरे लिए ही नहीं है जो कुछ मैं हासिल कर रही हूँ, ये उन औरतों के लिए भी है जिनके लिए हम उदाहरण बन सके, या उदाहरण ना भी बने तो कुछ को भी हम इसके लिए बातें कर सके, जागरूक कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी चित्रा जी का, आपकी कलम हमेशा समाज के दबे और कमजोर वर्ग के साथ खड़ी रही, आज भी उसी तेजी से लिख रही है, तमाम सुविधाओं के बीच भी आपकी कलम पूर्ण सौंदर्य और प्रेम को छोड़कर संघर्ष को तलाश रही है, आपकी हर रचना का एक एक अक्षर बिल्कुल अनमोल और सटीक है, आपको मजदूर लेखिका भी कहा जाता है। थर्ड जेंडर पर आधारित आपका उपन्यास रोंगटे खड़े कर देता है। एक जगह मैं आपका इंटरव्यू पढ़ रही थी जो मुझे बहुत छू गया, और आपने बहुत अच्छे से समझाया और आपने बताया कि जो युवा लिखेंगे उसी से आज के और आने वाले समाज की दिशा तय होगी। केवल प्रेम और सौंदर्य पर ही ना लिखें, अपने आसपास देखें, उन्हें समझें और उन पर लिखें। स्वान सुखाय का लेखन करने की बजाय समाज के हित को नजर में रखकर लेखन किया जाना चाहिए। माफी चाहूंगी डेट्स की कंफ्यूजन को लेकर, इंटरनेट हमारा सोर्स है, और एक छोटा सा निवेदन आपको कि आपकी इतनी सुंदर वेबसाइट हिंदी में भी होनी चाहिए हम जैसे लोगों के लिए। नहीं, इंग्लिश में है, और जो आज हमारा ज्ञानवर्धन वो शायद फिर अब वो उन्होंने अब नहीं कर दिया।
जेएनयू की एक बच्चे ने बनाया है www.chitramudgal.com उसमें मेरी पेंटिंग्स भी डाली हाँ जी पेंटिंग है और वो हमें इंग्लिश में मिली और कुछ पीएचडी के स्टूडेंट्स थे जो गलत गलत कोई आठवें दशक का लिख दिया जी जी पत्रकार ने लिख दिया तो चलन चल पड़ा यहाँ तक कि प्रकाशक अपना फ्लैग बदलते ही कोई संपादक है उन्होंने लिखी है उसमें वही 1944 1955 की तारीखें हैं मैं जरूर उनको चिट्ठी लिखूंगी बिल्कुल जी धन्यवाद देना चाहूंगी प्रेरणा जी का भी कि आपने इतनी खूबसूरती से समा बांधा अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी द्वारका प्रसाद जी अग्रवाल जी का जो कि एक ऑथर है एजुकेशनिस्ट है कॉलमनिस्ट है ट्रांसलेटर है और डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी जी का जो कि आगरा से आई है और आगरा बुक क्लब की फाउंडर है कि आप यहाँ पर आकर हमारे गेस्ट को मोमेंटोस दें स्वागत है आप दोनों का We will have a huge round of applause for the author, Chitra Mudgal. बता यहाँ आ आइए हाँ जरूर क्यों नहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर शिवानी जी का और द्वारका प्रसाद जी का कि प्रेरणा जी को भी एक मोमेंटो देकर दीजिए दीजिए धन्यवाद Gracias.